69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 चयन सूची को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके लिए सरकारी अधिकारी और सरकारी वकील हर तरह का रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरह से इन छात्रों को नियुक्ति दी जाए। सबसे पहले छात्रों के लंबे भाग दौड़ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर अर्जेंसी मेंशन, यानी कि केस को मेंशन करवाने के लिए अर्जेंसी यहाँ पर कोर्ट में फाइल की गई ताकि जो सुनवाई है वो हो सके। ये 13/9 को देखिए अर्जेंसी फाइल हुई है और उसके बाद यहाँ पर सुनवाई देखने को मिली, और इस सुनवाई के बाद 13/9 को ही जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी यहाँ पर जारी हुआ, जहाँ पर रिट संख्या 13/156/2020 है, ठीक है, महेंद्र पाल एंड अदर्स की अपील है जिस पर राजन राय सर इस पर सुनवाई कर रहे हैं कोर्ट नंबर 3 में। अब यहाँ पर मामला क्या है कि 6,800 जो पद हैं, जो चयन सूची है, वो 69,001 आगे पद पर नहीं पूरी होगी, इस बात पर कोर्ट रुकी हुई है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, अधिवक्ताओं के माध्यम से कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिसके जो रिक्त पदों की संख्या है उसको हम एकत्रित कर रहे हैं, उसके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि पिछले 2 सालों से अधिकारियों को ये जानकारी है कि कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि सैलरी हो यानी चीजें हैं उन अध्यापकों को दी जा रही हैं। अब रिक्त पद एकत्रित करने के बाद जो डेटा है वो 19/9/2022 को कोर्ट के सामने यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता पेश करेंगे, इसीलिए उन्होंने नई तारीख ली है। उन्होंने कहा है कि 19/9/2022 को हम यहाँ पर ये बताएंगे कि 69,000 में कितने रिक्त पद अभी बचे हैं, यानी कि बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या किन्हीं कारणों से, तो वो रिक्त पद पड़े हैं वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो अगर 6,800 के आसपास रिक्त पद पड़े हुए हैं तो इन छात्रों की नियुक्ति का जो रास्ता है वो कोर्ट के माध्यम से खुल जाएगा, वरना इस पर ऐसे ही रोक रह सकती है। फिलहाल अभी 19 तारीख का इंतजार करेंगे, सुनवाई का इंतजार करेंगे, सरकार क्या डेटा लेकर आती है उसकी भी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से देगी, यहाँ पर दी जाएगी। फिलहाल जो अगली सुनवाई है अब 19 तारीख को यहाँ पर होने वाली है, तो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां पर एनसीटीई को सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं, ऐसा जानकारी यहां पर देखने को मिली है डीएलएड छात्रों के माध्यम से, उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से, कि ये सभी चीजें यहां पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में पूछी जा रही हैं। जैसे कि एनसीटीई ने प्राइमरी के लिए बीएसटीसी कोर्स कराया है तो फिर बीएड क्यों कराया जा रहा है? क्या राजस्थान में बीएसटीसी जो धारक हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं है? क्या एनसीटीई द्वारा 60% मार्क्स बीएसटीसी धारक नहीं ला पा रहे हैं सुपर टेट में? अगर ब्रिज कोर्स से ही कोई प्रशिक्षित हो जाए तो क्या फिर बीएसटीसी धारकों को भी ब्रिज कोर्स से फर्स्ट सेकंड ग्रेड में क्यों नहीं लिया जा सकता? इसके अलावा यहाँ पर आरटीई में ब्रिज कोर्स का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये भी बड़ी बात है, और बीएड छात्रों को यहाँ पर ब्रिज कोर्स कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो शिक्षक यहाँ पर माने जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों में। इसके बाद अगर क्वालिटी की बात है तो फिर पीएचडी जो धारक हैं या और बड़ी डिग्री वाले जो छात्र हैं उनको क्यों नहीं लिया जा सकता? अगर बीएड और बीएसटीसी एक समान है तो क्यों बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनसीटी करा रही है? क्या एनसीटी ने सभी राज्यों के तथ्यों पर विचार विमर्श किया या फिर केवल यहाँ पर केवीएस की मांग पर और एमएचआरटी की दबाव पर ये जो नोटिफिकेशन है, जो गजट है, उसे पास कर दिया और जारी कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों के जवाब एनसीटी को देने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम सवाल है और इन पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल एनसीटीई की तरफ से जो भी जवाब होगा वो अक्टूबर की जो सुनवाई होगी वहां पर जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर निर्णय देखने को मिलेगा, और ये जो निर्णय होगा वो पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में समस्त बीएड छात्रों के लिए या बीएसटीसी छात्रों के लिए या बीटीसी डीएलएड छात्रों के लिए सब पर ये लागू होगा।
फिलहाल लगातार सुनवाई हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य में हो, अन्य राज्य में हो, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी अक्टूबर में होगी। तो लेकिन सभी जगह यही है कि तारीख पर तारीख यहाँ पर मिल रही है, और यही चीज़ें जज महोदय के माध्यम से कही जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उस पर आदेश आने के बाद ही वो इस पर अहम फैसला देंगे।